नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाएंगे कि कच्ची घानी से तेल कैसे निकलता है, लाइव आपको दिखाएंगे। मेरे साथ है संदीप सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर कच्ची घानी के 3 कोल्हू लगा रखे हैं और यही इन्हीं मशीनों से ये तेल अलग अलग तरीके के निकालते हैं। लाइव आपको दिखाएंगे कि कैसे निकलता है, क्या असली कच्ची घानी होती है, किस तरह तेल निकलता है और शुद्ध तेल कच्ची घानी का कैसे दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संदीप जी नमस्कार, यहाँ से शुरू करते हैं। 3 मशीनें हैं आपके पास, ये आप बताइए दर्शकों को कि कच्ची घानी का असली पहले तो मतलब बताइए, फिर बताइए कौन सा सीड अभी आप निकाल रहे हैं और कैसे निकालते हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कच्ची घानी का लोगों को पता नहीं है। अभी लोग कच्ची घानी होती क्या है, कच्ची घानी का मतलब ये है, जैसे कि राजीव दीक्षित जी ने बताया, काफ़ी बार बताया कि उन्होंने बार बार वर्णन किया कि भी कच्ची घानी का मतलब यही है कि भी जो मशीन लकड़ी से बनी हुई है, मतलब उसका मूसल जो है लकड़ी का हो, ओखली लकड़ी की हो। और ये आप देखेंगे पास से कि भी ये जो ओखली है इसकी, ये लकड़ी की है, ये लकड़ी की है ओखली और ये मूसल का है। सीड पिसेगा वो कच्ची घानी का तेल कहलाया जाएगा। लोगों को आमतौर भ्रांतियाँ होती है कि भी कच्ची घानी का तेल सिर्फ सरसों का होता है, नहीं, कच्ची घानी का मतलब लकड़ी की मशीन से कोई भी ऑयल निकलता है वो कच्ची घानी का तेल ही कहलाया जाता है। तो दोस्तों, जैसे संदीप जी बता रहे हैं कि देखिए जहाँ तेल निकलता है, ये अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मूंगफली का तेल ये निकाल रहे हैं, जहाँ तेल टच होता है वो है लकड़ी की ओखली और लकड़ी का मूसल, इन्हीं के बीच में तेल निकलता है। ये बाहर सपोर्ट के लिए एक स्ट्रक्चर स्टील का है, पर अंदर तेल यहीं क्रश होकर निकलता है। ये मूंगफली का तेल अभी आपको मशीन चला के दिखाएंगे, ये निकल रहा है और इसी से जो स्लो प्रोसेस से निकलता है वो कोई भी तेल हो वो कच्ची घानी का तेल कहलाता है। ये देखिए अभी रोटेट हो रहा है, ये मूसल भी लकड़ी का है और ये ओखली भी लकड़ी की है। इसमें जैसे सर आप देख रहे हैं कि जो पिसाई जो पीस रहा है वो भी लकड़ी का है और जहाँ पिसाई हो रही है एरिया वो भी लकड़ी का है। अब ये स्टील का फूड ग्रेड इसलिए करवाया गया ताकि, क्योंकि इसमें भी हमारा सीड आता है और वो सीड हमारे कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी उसमें त्रुटि ना आए, इसलिए हमने जो स्टील यूज़ करवाया गया मशीन में, इसमें वो 304 का स्टील फूड ग्रेड जो होता है वो यूज़ करवाया था इसमें। अब आगे आपको दिखाएं, यहाँ पर तो था मूँगफली का, ये आप किसका तेल निकाल रहे हैं? ये सर पीली सरसों का तेल है और आप इसकी देखेंगे कि भी जो ये भी लकड़ी का है मूसल इसका, और ये थोड़ी सी डिफरेंस मशीन है सर। इसमें आप देखेंगे बाहर भी आपको लग रहा है कि ये आउटर कवर जो है ये लकड़ी का है, तो ये भी कच्ची घानी की मशीन है और इससे जो निकलने वाला तेल है वो भी कच्ची घानी का है। ये मतलब ये है कि कच्ची घानी का ये ओखल और मूसल ये लकड़ी के हैं और ये भी बाहर से भी इसका लकड़ी का, ऊपर सपोर्ट के लिए जहाँ फूड ग्रेड स्टील है जहाँ पर ये सीड आपका डालते हो आप। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि भी जो कच्ची घानी आमतौर पर लोग बोलते हैं काली सरसों का तेल, सिर्फ कच्ची घानी का तेल ये हम इसमें काली सरसों का तेल निकाल रहे हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि भी ये मूसल लकड़ी का है और की ओखली है वो भी लकड़ी की है। तो ये देखिए काली सरसों का तेल यहाँ निकल रहा है स्लो प्रोसेस में। ये जो कच्ची घानी का तेल है ये सरसों के अलावा कौन कौन से सीड का निकालते हैं आप यहाँ पे? सर हम इस जो मशीन में, हम जितने भी आपने 3 मशीनें देखी इसमें हम मूंगफली का तेल निकालते हैं, सरसों का तेल निकालते हैं, बादाम का, नारियल का, अलसी का, इसमें एक और हमने ऐड ऑन किया है वो तेल है सूरजमुखी का तेल। जितने भी हम तेल है सभी निकालते हैं इसमें, यहाँ पे हम हर तरीके का ऑयल निकालते हैं। तो ये जो तेल है कितनी देर में तैयार हो जाता है सीड के हिसाब से? देखिए सर अभी इसमें टाइमर स्टार्ट है, क्लॉक इसमें स्टार्ट है, अभी इसको 63 मिनट हो चुके हैं अभी चलते हुए। ये बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत टाइम कंज्यूम प्रोसेस है, तो अभी इसमें लगेगा सर, अभी भी इसमें ऑयल को ढंग से तैयार होने में अभी भी 30 मिनट और लगेंगे। उसके बाद आधा से पौना घंटा, 1 घंटे तक का हमें और टाइम लगता है इसको साफ करने से लेकर इसके अंदर दोबारा सीड डालने तक, मतलब 1.5 घंटे के करीब एक घानी निकलती है। कितने सीड इसमें डालते हो आप? सर इसमें हमारी जो ये कैपेसिटी है इसकी 10 kg की है और जो हमने आपने बड़ी मशीन देखी जो स्टील वाली है उसमें हम 25 किलो तक डाल सकते हैं सर। यानी कि कैपेसिटी सीड की अलग अलग है मशीनों की? हाँ जी। इसमें आपने बताया 10 kg और वो दूसरी मशीन है वह 25 kg, तो वो बड़ी मशीन है। तो इस तरह से 1.5 घंटे में एक घानी निकलती है कच्ची घानी से और इसमें अलग अलग सीड से आप तेल निकालते हैं। अभी ये तेल तैयार हुआ है तो दर्शकों को निकाल के दिखाइए कैसे निकालते हैं। सर अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ सर। जी जी ये बताइए। ये देखिए इन्होंने मशीन अभी रोकी है ताकि जो तेल तैयार हुआ है, मैं अमित से कहूँगा ऊपर दिखाएं आपको। ये देखिए ऊपर जो तेल आ जाता है ऊपर ये, और अब ये नीचे से आपको इस ओखली से जो तेल निकला है वो दिखाएंगे। अब सर इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो हमने छलनी यूज़ करी है सर वो भी स्टील की है और इसमें हम किसी भी प्रकार का फिल्ट्रेशन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम मशीन में तैयार हुआ ऑयल इसमें हमने निकाला
और फिर उसके बाद हम फूड ग्रेड जो सील है एयर टाइट कंटेनर है उसमें हम फिल कर देते हैं 2 से 3 दिन के बाद, उसके बाद फिर हम उसको बोटलिंग कर देते हैं। ये देखिए आपको तेल निकाल के दिखा रहे हैं, पीली सरसों का तेल है ना ये पीली सरसों का है सर, कच्ची घानी से तैयार। मेहनत का काम है सर, तभी हर कोई इसको लगा नहीं पाता क्योंकि हर लोगों को जब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रोडक्शन इतना आता नहीं है। नहीं आता सर, इसमें प्रोडक्शन नहीं आता है बहुत सारा इसमें। अभी इसको कई बार निकालने में भी हमें 2-2 घंटे लग जाते हैं सर, किसी भी ऑयल को निकालने में कई बार फंस जाता है क्योंकि मैनुअली है सारा, कोई ऑटोमेटिक इसमें है नहीं सर। अब ये देखिए इतना रुक गया है अभी। तो दोस्तों ये देखिए अभी इन्होंने ये सरसों का, पीली सरसों का तेल निकाला। एक चीज और बता दी, इसकी फ्यूम बड़ी जबरदस्त है, नेचुरल तरीके से निकलता है तो यहाँ अब खड़ा होना भी थोड़ा कठिन हो रहा है, आंखों तक इसे जल बोलते हैं, फ्यूम्स बोलते हैं। वो नेचुरल जो जब निकलता है तो वो पूरी सीधी निकलती है। इस तरीके से अब ये निकाला, फिर इसको क्या सेडिमेंटेशन जो आती है उसको कैसे आप निकाल। सबसे बड़ी बात है सर कि भी इसमें 2-3 घानियों का ऑयल हमारा तैयार हो जाता है, उसके बाद इस ड्रम से हम स्टील कंटेनर से हम इस कंटेनर में लेके आते हैं, जैसे कि ये हमारा रखा हुआ है ऑयल, यहाँ से होने के बाद इसमें हम 2 दिन रखते हैं इसको। फिर हमारा एक एयर टाइट कंटेनर है, ये सर हमारा एयर टाइट कंटेनर है, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हमने इसको रखा हुआ है। इसमें फिर हम उसको फिल कर देते हैं। ये देखिए इसमें आप थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, इसमें सेडिमेंट भी दिखाई दे रहा होगा सर आपको थोड़ा सा। इस टैप की हेल्प से हम इसको बोतल में फिल कर देते हैं। तो इस तरह से नेचुरल तरीके से ये तेल निकलता है और स्टील कंटेनर में भर देते हैं और अपने आप वो जो गाद है या सेडिमेंट है वो बैठ जाता है, फिर बोटलिंग कर देते हैं। हमें सबको पता है कि ग्रेविटी जो फोर्स है उसके हेल्प से ये सारा सेडिमेंट अपने आप ही हो जाता है, इसमें हम किसी भी प्रकार का फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि भी हमने सब कुछ मेथड हमने अच्छी तरह कर लिया, बट उसके लिए हमें सीड भी जो हम बीज यूज करते हैं वो हम आज बीज भी आपको दिखाते हैं कि भी कौन सा बीज यूज करते हैं। देखिए आपको पीली सरसों का जो दिखाई दे रहा है ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा, बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंकर मिट्टी या फंगस वगैरह नहीं होना चाहिए, इस बात का स्पेशली ध्यान रखा जाता है। और इसी तरह देखिए ग्राउंडनट का है, आप देख रहे हैं ग्राउंडनट बिल्कुल साफ सुथरी है, बिना किसी उसके फंगस के या किसी भी प्रकार का कोई पार्टिकल्स नजर नहीं आएगा इसमें। उसके बाद हम अलसी की प्रिपरेशन करेंगे, अलसी का जो बीज है आप देखें बिल्कुल शुद्ध है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा या कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे बड़ी बात है कि भी हमें तेल निकालना है, तेल के लिए सबसे पहली ज़रूरत है आपका जो बीज है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक कच्ची घानी होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो भी आपके रसोई तक पहुंचेगा ऑयल वो बिल्कुल शुद्ध और आपके हेल्थ से भरा हुआ, जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसमें वो पूरी भरी हुई होती है और आपको जाकर पूरा हेल्थ बेनिफिट देता है। जैसे कि कस्टमर्स के रिव्यू हैं उन्हें काफ़ी हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी कम हुए हैं, जिसका पाचन तंत्र कमज़ोर था उसका स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसमें आजकल एक कॉमन बीमारी भी चल रही है वो एसिडिटी है, वो एसिडिटी को भी कम करता है ये ऑयल। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिपेशन लोगों को आज की डेट में बहुत सी भयंकर समस्या है, इस समस्या का भी समाधान इन ऑयल से ही है जो आपकी कच्ची घानी से निकलते हैं, क्योंकि ये पूरा लुब्रिकेंट देते हैं आपके पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा लुब्रिकेंट करते हैं ये ऑयल। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में दोनों ही सूरजमुखी के तेल हैं, आपको डिफरेंस थोड़ा सा ये नजर आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा थिक है, मटमैला सा है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें फर्क क्या है कि भी हैं तो दोनों सूरजमुखी के, बट ये एक नेचुरल प्रोसेस से लकड़ी की घानी से स्लो प्रोसेस से निकाला गया सूरजमुखी का सनफ्लावर का तेल है, और ये एक जो केमिकल ट्रीटेड तेल है जिसमें हेक्सेन नामक कई तरीके के केमिकल्स वगैरह मिला के उसको प्रोसेस किया जाता है और आपके सामने पेश किया जाता है। अगर आप दोनों में से अगर चूज करना चाहेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड है कि भी आप एक नेचुरल ऑयल जो कच्ची घानी से तैयार किया जाता है या केमिकल ट्रीटेड ऑयल जो तैयार किया जाता है वो आप लेंगे। तो दोस्तों जैसा आपने देखा संदीप जी ने 3 कच्ची घानी यहाँ लगाई हुई है और इनसे आपने लाइव तेल निकलते हुए देखा, इसी तेल को ये स्टील के कंटेनर में रखते हैं, सेडिमेंटेशन नीचे बैठती है गाद, फिर जो ऊपर का तेल है उसे बॉटलिंग करके लोगों तक पहुंचाते हैं। यहाँ का अभी एटमॉस्फेयर देखिए आंखों में नजर आ रहा है, यहाँ की फ्यूम्स जो हैं नेचुरल तेल की
वो चेहरे पर हमारे नजर आ रही, इतनी देर से हम शूट कर रहे थे, तो यहाँ का हम जो तेल निकलते हुए लाइव दिखाया उसी के कारण ये स्थिति होगी, क्योंकि झल जो होती है वो सरसों के तेल की काफी तेज होती है और ये इसका उदाहरण है कि शुद्ध तरीके से चीजें तैयार कर रहे हैं। ये वीडियो हमने इसलिए दिखाया कि कई बार आपको पता नहीं होता कि कच्ची घानी का तेल वास्तव में कैसे निकलता है, कैसा होता है। तो जो आप अभी शॉर्ट्स में देख रहे हैं ये शुद्ध तेल होता है। मार्केट से जो आप रिफाइंड ऑयल लेते हैं उसको और इसको कंपेरिजन करेंगे तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगा और ये थोड़ा मटमैला नजर आएगा, क्योंकि इसमें नेचुरल सारी चीजें बची होती हैं और उसमें सारा केमिकल से प्रोसेस करके निकल जाता है, इसलिए कच्चे घानी का तेल सबसे शुद्ध माना जाता है। नंबर हमने दिया हुआ है और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।